अभी कुछ देर पहले किसी ने तो कहा था कि शायरों की महफिल में ना लड़कियां ऐसे ही बदनाम रहती हैं। अब मान लेते हैं कि किसी लड़के ने किसी को प्रपोज किया, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर दिया और लड़की ने मना कर दिया। अब उसका रीजन, वो क्या कहना चाहती थी, क्यों नहीं कहा उसने हाँ, वो तो ना तो लड़की ने जानना चाहा और ना लड़की बता पाई। तो जो लड़की की खामियां थी, उसका डर था, उसके जज्बात थे, उसी पे मैंने कुछ लिखा था कि एक मिनट, तूने अपनी हाथों की लकीरों में मुझे देखना चाहा, जिसकी लकीरें खुद खुदा बनाना भूल गया। तूने जीना चाहा उस इंसान के लिए जो खुद एक अरसा पहले किसी पे मर गया। तूने जोड़ना चाहा अपने टूटे दिल को उन हाथों से, जिन हाथों में कांटों के सिवा और कुछ ना आया। तूने देखना चाहा उन आंखों में खुद की खुशियों को, जिनमें अश्कों का पूरा समंदर समाया। तूने मांगा सहारा एक ऐसी कश्ती से, जो खुद खुद के ही हाथों से खुद को तबाह कराया। कैसे वो दे एक सहारा एक मुसाफिर को, जब उसे पता है उसका सारा सफर बस मुझ में ही समाया। कैसे दे वो खुशियों की आस, जब वो अपना सारा संसार एक आस पर लुटा कर आया। कैसे समेटे बिखरे तेरे दिल के टुकड़ों को, जब वो खुद अपना दिल जीने के लिए जला कर आया। कैसे दे तुझे जीने की एक उम्मीद, जब वो खुद जीने के लिए हर रोज मरता आया। कैसे दे वो तुझे अपने ख्यालों में रहने का मौका, जो अपने ख्यालों में कभी खुद भी ना रह पाया। कैसे दे तुझे इश्क करने की इजाजत, जब वो खुद किसी के इंतजार में खुद की मोहब्बत दफना कर आया। और सोने पे सुहागा तो जब हो जाता है जब लड़की ओवर थिंकर होती है क्योंकि अब लड़की ने ये तो सोच लिया कि यार मैं ऐसी हूँ इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकती, ऐसी हूँ इसलिए वो नहीं कर सकता मेरे साथ, मतलब हम शादी वगैरह नहीं कर सकते। तो अब लड़की अब ये भी सोचती है कि लड़कियां तो इतनी सारी थी ना संसार में, मैं ही क्यों। तो उसी पे कुछ लिखा था कि मैं ही क्यों, ऐसा भोलापन दिखा था मुझ में जिसे ठगा जा सके, या देखी थी ऐसी चतुराई जिसमें मोहित हुआ जा सके। ऐसा देखा था सख्त दिल जिसे खुरेदा जा सके, या देखा था वो कोमल हृदय जिसे तोड़ा जा सके। देखा था वो आवारापन जिसमें नाचा जा सके, या देखा था वो अकेलापन जिसमें रोया जा सके। देखा था ख्वाबों का समंदर जिसमें डूबा जा सके, या देखा था एक कतरा जिसे पिया जा सके। देखा था प्यार का जज्बा जिसके साथ जिया जा सके, या देखा था एक वजूद जिसके लिए खुद को मिटाया जा सके। बताओ न मैं ही क्यों, वो चांद को ठुकरा के तुमने रात को अपनाया क्यों, ठंडी हवा को ठुकरा के तुमने आंधियों को अपनाया क्यों। काफी थे नानमोल रत्न तुम्हारे पास, तो उनको ठुकरा के उस नाचीज को अपनाया क्यों। बताओ ना मैं ही क्यों। शुक्रिया दोस्तों।